प्रश्न, मैं रमजान का महीना शुरू होने से पहले क्षमा मांगने के लिए व्हाट्सएप पर वायरल होने वाले संदेशों का हुक्म जानना चाहता हूँ। उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। सभी नेक कार्य, चाहे वे अल्लाह सर्वशक्तिमान की विशुद्ध उपासना के कार्यों में से हो, जैसे कि नमाज और रोज़ा इत्यादि, अथवा लोगों के साथ उपकार व भलाई करने के अध्याय से हो, वे सब के सब हर समय अपेक्षित है। जबकि फजीलत वाले समयों में उनका आग्रह करना सुनिश्चित हो जाता है, और इन समयों को केवल इसीलिए प्रतिष्ठित करार दिया गया है ताकि उनमें सभी प्रकार के अच्छे नेक कार्यों द्वारा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा किया जाए। जिन अच्छे कार्यों पर प्रोत्साहित करना और एक दूसरे को उनकी वसीयत करना धर्म संगत है, उनमें क्षमा करना और शत्रुता को समाप्त करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित है कि आपने फरमाया, जब तुम में से कोई व्यक्ति रोज़ा रखे तो वह अश्लील कार्य न करे और न अज्ञानता से काम ले। यदि कोई व्यक्ति उससे गाली गलौज करे, अपशब्द कहे या उससे लड़ाई झगड़ा करे, तो उसे कहना चाहिए, मैं रोज़े से हूँ। इसे बुखारी 1894 और मुस्लिम 1151 ने रिवायत किया है। इसमें इस बात का आग्रह है कि विवादों में हट, प्रतिद्वंदी से बदला लेना और अपने स्वार्थ के लिए प्रतिशोध लेना छोड़ दिया जाए, तथा दुर्व्यवहार का उत्तर उसी के समान दुर्व्यवहार से न दिया जाए। चूंकि मुसलमान इन मौसमों में अधिक से अधिक अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर होता है, और उसे भय होता है कि द्वेष व कपट उसके अच्छे कार्यों के अल्लाह तक पहुंचने में रुकावट न बन जाए, तो वह लोगों से माफ़ी के लिए अनुरोध करता है। मुस्लिम हदीस संख्या 2565 ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के कार्य हर शुक्रवार अर्थात सप्ताह में दो बार, सोमवार और गुरुवार को पेश किए जाते हैं, तो वो अल्लाह हर मोमिन बंदे को क्षमा कर देता है सिवाय उस बंदे के जिसके और उसके भाई के बीच द्वेष हो। चुनांचे कहा जाता है, इन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि वे दोनों सुलह समझौता कर लें। शेख इब्ने उथैमीन रहमहुल्लाह ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि लोगों के बीच विवाद और द्वंद भलाई को रोकने का कारण है। इसका प्रमाण यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में एक रात अपने साथियों की ओर निकले ताकि उन्हें लैलतुल कद्र के बारे में बताए, तो सहाबा में से दो व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे, तो उस साल उसका ज्ञान उठा लिया गया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो इस बात का प्रयास करे कि उसके दिल में किसी मुसलमान के प्रति द्वेष न रहे। अतः जो व्यक्ति सहिष्णुता की भावना फैलाता है, क्षमा करने और अन्याय को चुकाने के लिए अनुरोध करता है, और अपने आप को लोगों के अधिकारों से भार मुक्त करने का प्रयास करता है, और लोगों से ऐसा करने का आग्रह करता है, चाहे वो रमजान में हो या उसके अलावा दिनों में, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो नेकी और भलाई पर है। सारांश यह है कि इस प्रतिष्ठित समय में क्षमा मांगने और अन्याय से बाहर निकलने का औचित्य स्पष्ट है, और हमें इंशाअल्लाह इन मौसमों में इन बातों का उल्लेख करने या दूसरों को इनकी याद दिलाने और उनसे ऐसा करने के लिए आग्रह करने में कोई हर्ज और आपत्ति की बात प्रतीत नहीं होती है, और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।